क्या ईशान खट्टर के बाद जानवी कपूर का दिल कार्तिक आर्यन पर आ चुका है। ये खबरें इसलिए आ रही है क्योंकि पिछले कुछ टाइम से जानवी कार्तिक के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट्स कर रही है, या यूं कहिए जानवी कार्तिक को सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रही है। वेल, दोनों फिल्म दोस्ताना 2 में एक साथ नजर आने वाले हैं। करीना कपूर खान एंड सैफ अली खान की शादी के एल्बम से सामने आई सारा अली खान और इब्राहिम की तस्वीर। वायरल हुई तस्वीर 16 अक्टूबर 2012 की है। इस तस्वीर ने सबका ध्यान इसीलिए खींचा क्योंकि पीले कलर के लहंगे में सारा अली खान नजर आ रही है। तस्वीर में सैफ अली खान की बहन सबा अली खान भी नजर आ रही है, जो सारा के पास खड़ी है। आज बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर के शादी की चौथी सालगिरह है। लॉकडाउन के कारण कोई बड़ा सेलिब्रेशन ना कर अपने ही घर में बिपाशा ने बनाए बेसन के लड्डू। आयुष्मान खुराना और कार्तिक आर्यन ने डायरेक्टर प्रियदर्शन की फिल्म हंगामा 2 का ऑफर ठुकरा दिया। ताजा इंटरव्यू में प्रियदर्शन ने इससे जुड़ी कई बात शेयर की है। उन्होंने कहा कि उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें एक्टर्स के लिए भीख मांगना भी पसंद नहीं है, और उन्हें उनके साथ काम करना पसंद है जिनका उन पर विश्वास हो। इस तस्वीर को लेकर ट्रोल हुई सारा अली खान। रमजान के महीने में छोटे कपड़े पहनने को लेकर सोशल मीडिया पर सारा अली खान की लग गई क्लास। लोगों ने कहा कि रमजान का महीना है और ऐसे छोटे कपड़े पहनने से रमजान का अपमान होता है। सलमान खान ने 7,000 मजदूरों के खाते में ट्रांसफर किए पैसे, पूरा किया वादा। सलमान खान के एनजीओ बीइंग ह्यूमन ने फिल्म इंडस्ट्री के दिहाड़ी मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के असिस्टेंट डायरेक्टर मनोज शर्मा ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके अकाउंट में बीइंग ह्यूमन की ओर से पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में एक बार फिर बड़े दिलवाले बने अक्षय कुमार। अब मुंबई पुलिस फाउंडेशन के लिए खोली अपनी तिजोरी। अक्षय ने कोरोना वायरस से लड़ रहे मुंबई पुलिस फाउंडेशन में 2 करोड़ रुपए का दान दिया है। एक्टर इरफान खान से जुड़ी बड़ी खबर, इरफान खान की अचानक तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में है एडमिट। खबर है कि इरफान खान की सेहत बिगड़ने से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। इरफान खान मुंबई में है और वो कोकिलाबेन अस्पताल के आईसीयू में भर्ती है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें किस बीमारी के चलते अस्पताल में भर्ती किया गया है। अपने फार्म हाउस में फंसे सलमान खान फिल्म राधे के लिए बहा रहे पसीना। फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के लिए सलमान ने जिमिंग शुरू कर दी है। लॉकडाउन के बाद सलमान खान फिल्म राधे की क्लाइमैक्स सीन की शूटिंग पूरी करेंगे। करण जौहर के बच्चों का सब्र का टूटा बांध, घर छोड़कर जाना चाहते हैं रूही और यश। रूही, वेयर आर यू गोइंग विद दिस बिग बैग? यू आर लीविंग दिस हाउस, बट वेयर आर यू गोइंग? You're going to Peppa house? Okay, bye. Yash! Yash, come on. Hello. No, dear mother. I'm fed up. Sorry.